क्या आपके चेहरे पर ढेर सारे दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिंपल्स के दाग हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल लगातार एक महीने तक करते हैं तो आपके चेहरे की झाइयां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि झाइयों को जड़ से खत्म होने में वक्त लगता है। दोस्तों, झाइयां इतनी आसानी से नहीं जाती क्योंकि वह आपकी स्किन में पूरी तरफ से ऑब्जर्व हो जाती हैं, आपकी स्किन के अंदर चली जाती हैं, इसलिए वह इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, इसे ठीक करने में टाइम लगता है। तो आइए बात करते हैं कि आपको अगर झाइयों को दूर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, दूध से साफ कर लीजिए या मलाई से साफ कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई केमिकल फ्री फेस वॉश है तो आप उससे अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। इससे आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपके चेहरे पर कोई गंदगी नहीं रहेगी। इसके बाद आपको लेना है एक चम्मच बेसन, एक चुटकी कस्तूरी हल्दी, एक चम्मच ताजी क्रीम यानी कि मलाई और आधा चम्मच नींबू का रस। अगर आपको नींबू के रस से प्रॉब्लम है तो आप टमाटर का रस ले सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आप नींबू का रस थोड़ा सा ले लें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपके चेहरे के झाइयों को और दाग धब्बों को जड़ से निकाल देता है। आप इन सबको मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए, फिर इसे अपने फेस पर लगाइए। 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए, आपकी झाइयां जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।